मार्च 1 रु वरिष्ठ को कोविड वैक्सीन आरंभ हैला द्वितीय डोज टीकाकरण आसंता 25 तारीख पर्यंत प्रथम डोज टीकाकरण अवधि वृद्धि कोरोना टीकाकरण को नहीं राज्यवासी को पाई खुशी खबर कोरोना योद्धांक परे प्रथम थर पाई साधारण नागरिक अर्थात वरिष्ठ नागरिक को आसंता मार्च 1 रु दिजिव कोरोना टीका राज्य स्वास्थ्य विभाग वैषयिक विशेषज्ञ डाक्टर जयंत पंडा सूचना देइछंती सेहिपरि राज्य में सोमवार द्वितीय डोज टीकाकरण आरंभ होइछि गत 16 तारीख ठारु आरंभ होइतिबा प्रथम पर्याय टीकाकरण समय रे जेउ माने टीका नेइतिले सेमानकु द्वितीय डोज टीका दिया जाइछि अन्य पक्ष रे केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु आसंता 25 तारीख पर्यंत प्रथम डोज टीकाकरण अवधि वृद्धि करा जाइछि रविवार सुधा राज्य में प्रथम डोज टीकाकरण अभियान में 2,87,442 स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं 3,38,700 जन को टीका देवा लक्ष्य रही बेले 84.9% स्वास्थ्यकर्मी को टीकादान कोविड वॉरियर जो मैंने कि पुलिस सानिटरी वर्कर आगधाड़ी योद्धा से माने मध्य टीका नवा 6 तारीख रु आरंभ कले और जदि सब समुदाय नंबर देखिए टीका नवा व्यक्ति बर्तमान ओडिशा रे 4 लक्ष ऊपर हो गले तो आम आशा करूचु आसंता दिन स्वास्थ्यकर्मी मानकर शतकड़ा 100 टार्गेट हासिल करने जो आगधाड़ी योद्धा एम टीकाकरण सारी मार्च 1 सुधा आम सीनियर सिटीजन 50 वर्ष रु ऊर्ध लोक टीकाकरण आरंभ कर नहीं आमर तो टार्गेट थिला पखापाखि आमर हो 8,000 आउ से आमर फास्ट फेज रे आमर 6,284 आमर वैक्सीनेटेड है तो मोर दैन 80% आमर वैक्सीनेटेड होती बर्तमान भी गवर्नमेंट आउरी एक्सटेंशन कर 25 तारीख जाए तेणु आम आउरी चेष्टा करूँ जमी 100% आमर आचिव हम आकु छाड़ी आज आमर बर्तमान आरंभ हो सेकेंड फेज आमर प्रथम आरंभ होता 16 तारीख तेणु बर्तमान सेकेंड फेज आरंभ हो 15 तारीख अंपटे भुवनेश्वर स्थित सीआरपीएफ क्यांप कोविड टीकाकरण सीआरपीएफ आईजी डीआईजी प्रमुख टीका नहीं प्रथम दिन में 200 जवान को टीका देवाई लक्ष्य रखा 800 पंजीकृत जवान को 4 दिन मध्य टीकाकरण करने को सीआरपीएफ नोडल अफिसर लॉकडाउन समय सीआरपीएफ जवान माने निज अदम्य साहस और कर्तव्य देखा जहां सबुटी प्रशंसा कर आज आम 200 लोक को वैक्सीन दौचु और टोटल आम 800 लोक रजिस्टर्ड अच्छा तो प्रतिदिन 200 हिसाब से नेक्स्ट 4 दिन आम ये रखीचु प्रोग्राम बहुत लार्ज नंबर फोर्स पर्सनल है माने बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर ड्यूटीज को जाउछंती सिविल अथॉरिटी सांगे सिविलियन पॉपुलेशन सांगे माने बिल्कुल सामना एंकर होउची तो आम इन्फेक्शन रेट चांसेस बहुत बेसी अच्छी तो मत लगुच गवर्नमेंट जो डिसीजन नहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेट करने बहुत भल गोटे डिसीजन आम यार पूरा स्वागत कोविड-19 विश्व को आसला आम एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत बेसी प्रभावित होलु तो आम जवान जो जो जगह थे ओडिशा रे समस्ते स्टेट पुलिस सांगे मिसिकी लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने सहायता कले आते सब मास्क पिंध सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो देन हाथ धो जहाँ भी मानने जेहेतु बेसी आसी ना आम सब प्रिकसन नौलु तापर आमर जवान भी किसी कोविड आक्रांत भी हेले जो सरकार नीति अनुसार ट्रीटमेंट हेला प्लाज्मा भी दान कले प्लाज्मा दान भी करते सौभाग्यवशत कोविड वैक्सीनेशन आसीगला तो आम आज नेलु मुलि बाकी आम सब अफसर ने तेज राज्य में बाकी रही अनेक कोरोना योद्धा को केमिति कोरोना टीका दिजिव ता सरकार बड़ चैलेंज भुवनेश्वर रोशन रथक कटक्रु विश्वजित दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।